मैं यहाँ पर पला बड़ा हुआ हूँ। मैं पहले नशा करता था, मुझे नशा छोड़े हुए 3 साल हो गए। मुझे मेरी शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। आज मैंने सीजे बनने का फैसला इसलिए किया ताकि मेरे जैसे बच्चे जो नशा छोड़ चुके हैं उन्हें स्कूल जाने का अधिकार मिले। साल का था मैं, बस बुरी संगत बुरे दोस्त इन सब में पड़ गया था, नशा लग गया मैं, फिर आगे जाके क्राइम भी करने लग गया, बुरे काम भी करने लग गया। बताओ क्या हुआ, तुम नशा छोड़ने के बाद जब दोबारा से स्कूल जाना चाहते थे तो क्या हुआ, स्कूल वालों ने मना क्यों किया था? मेरे हाथों में निशान थे तो वो सोचे कि लड़का गलत है, ठीक है, उसने इसीलिए मेरा एडमिशन नहीं लिया। उन्होंने मेरे से ये कहा कि बेटा देखो तुम्हारे हाथ ऐसे व्यवहार है तुम्हारे, क्योंकि और बच्चों पर भी गंदा असर पड़ता है, इसी मारे मेरा एडमिशन नहीं लिया। उन्होंने मना कर दिया मेरा एडमिशन। जो काम मिल जाता है मैं कर लेता, अच्छी जगह तो जॉब मिलती नहीं है मैम, अच्छी जगह तो ये हाथ देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने को मौका दें। दोबारा एडमिशन कराने गया तो स्कूल वालों ने मेरे सख्त मना कर दिया कि बेटा नहीं, हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। मेरे को जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को दिल को बहुत दुख पहुँचा। मैंने सोचा कि पढ़ लिख के मैं आगे कुछ बन सकूँगा और कुछ अच्छा नागरिक बन सकूँगा। जो प्रिंसिपल हैं वो ये कहते हैं कि भाई बच्चा टॉर्चर है, ये इसको हम नहीं रखेंगे। आज ये बाहर करता था, आज अंदर स्कूल के अंदर में करेगा, हम इसको नहीं रखेंगे। कहीं नौकरी के ऊपर भी जाते लेके देखते हैं तो वहाँ पर भी जाके वो जो है ना वही कहते हैं कि ये देखिए ये बच्चा जो है ना आपका इस लाइन से निकला हुआ इस तरह, क्योंकि उनके अंदर में डर सी हो गई। मैम आपको लगता है कि मैम सुधर नहीं सकते थे? मुझे एक मौका नहीं मिलना चाहिए था जब मैं सुधर गया था। We the CJ team went to ask the school authorities as to why they denied admission to these children. They refused to say anything in the camera, but off the camera they told us that these children's past caused such prejudice amongst the teachers, the parents, that it almost becomes impossible to give them admissions in the school. While filing this story, I met many children who relapsed because the society shut its doors on them. इसकी उम्र 16 साल है और ये मेरे साथ रिहैब में था। हम दोनों ने एक साथ ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट लेने के बाद ये बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद इन्हें स्कूल में एडमिशन करवाने गया। ये इसका स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं तो इसी कारण इन्हें बाहर घूमने लड़कों के साथ लग गया, गलत लड़कों के साथ। एडमिशन नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैं काम के लिए गया, जॉब के लिए, कहीं जॉब मिल जाए मेरे को। जॉब भी नहीं मिली मुझे। फिर मेरे को वही कूड़ा चूरने का काम मिला, उसमें मेरा दिल नहीं करता था। फिर मैं अपने नशे में फिर दोबारा आ गया हूँ, गांजा वांजा पीने लग गया। यहाँ पर जितने भी बच्चे नशा छोड़ के जी रहे हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई स्कूल जाए, पढ़े लिखे। जो खुशी मेरे को नहीं मिल सकी मैं चाहता हूँ मेरे भाई को मिले। मैं अपने भाई के लिए मैंने बहुत कुछ अरमान सोचे हैं। मुझे विश्वास है कि स्कूल वाले उन बच्चों को दोबारा एडमिशन देंगे जो कि वो बच्चों के जो आधे ख्वाब है वो अपने पूरे ख्वाब पूरे कर सके। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट CNN IVN।